फैमिली नेम गिवन नेम को लेके बहुत लोग कंफ्यूज हैं, बहुत ज्यादा। तो हार्डली 9 दिन के बाद से सिलेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो आपकी रजिस्ट्रेशन एक्सपायर कब होगी, कब तक आप वेट कर सकते हो कि क्या आप इस वॉलेट में सिलेक्टेड हैं कि रिजेक्टेड हैं? हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो ये जो वीडियो है वो भी ऑस्ट्रेलियन लॉटरी वीजा की सीरीज में ही एक अनदर वीडियो रहने वाली है। काफी लोगों ने जो अपना इंटरेस्ट है वो अब तक शो कर दिया है, कुछ लोग अभी भी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, कुछ आने वाले दिनों में शो करेंगे, क्योंकि पूरा अक्टूबर का जो मंथ है ये जो लॉटरी वीजा का पोर्टल है, वॉलेट है, वो ओपन रहेगा। अगर आपने इसमें इंटरेस्ट शो नहीं करा है तो आप जल्दी से जाके अपना इंटरेस्ट शो कर दीजिए। तो इसके लिए मैंने डेमो वीडियो ऑलरेडी बनाई है, अगर आप स्टेप को लेकर कंफ्यूज है तो आप उस वीडियो की हेल्प ले सकते हो। तो अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने ऑलरेडी अपनी रजिस्ट्रेशन है कर ली है, अब वो आगे क्या कर सकते हैं। काफी लोग कंफ्यूज हैं, कुछ लोगों के एप्लीकेशन में एरर्स हैं, वो एरर्स को मॉडिफाई करना चाहते हैं, कुछ लोग चेक करना चाहते हैं कि एक्चुअल में उनकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है कि नहीं सबमिट हो चुकी। तो ये वीडियो हर उस पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी जिन्होंने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, वो क्रॉस चेक करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, या फिर जिनको वेट है कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि हमारा रिजल्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कब से पता चलेगा। तो सारी की सारी जो डिस्कशन है इस वीडियो में मैं पहले, अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरा नाम है गुरप्रीत कौर, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड लाइफ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर फॉरेन लाइफ, वीजा एंड करंट अपडेट्स। इन तीनों ही चीजों की जो इन्फॉर्मेशन है आपको इस चैनल के थ्रू मिल जाएगी। सो गाइस डू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू एट माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस बेल आइकन ताकि आपको आने वाली फ्यूचर की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन। डायरेक्टली बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। एलिजिबिलिटी, डेमो, ये सारी वीडियोस हो चुकी हैं, अब हम सीधा आते हैं आफ्टर रजिस्ट्रेशन में। तो जैसे कि ऑफिशियल साइट से ही मैं आपको दिखाऊंगी कि ऑफिशियल साइट पे क्या मेंशन है कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन आप क्या कर सकते हो, उनसे आपने कैसे चेक करना है, पहले मैं ये दिखा देती हूँ। पहले की तरह ही मैं आपके साथ विंडो शेयर कर रही हूँ जैसे हमने पहले करा था। तो लॉग इन करते हैं हम एमई अकाउंट में। तो अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सेव है देन ओके, अगर सेव नहीं है तो आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड अगेन यहाँ पे डालना पड़ेगा और इसके बाद आता है लॉग इन। तो जैसे ही मैं लॉग इन करती हूँ तो लॉगिन के साथ एक ऐसी विंडो आपको नज़र आएगी जिसमें कि जैसे मेरी क्लियरली एप्लीकेशन मेंशन है, मेरे नाम के साथ रेफरेंस नंबर हर चीज़ मेंशन है और यहाँ पे मेंशन है स्टेटस। तो स्टेटस के नीचे ही एडिटिंग की ऑप्शन भी है, रिव्यू की ऑप्शन है, रिव्यू को क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन में जो भी एडिटिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं अगर कुछ रॉन्ग है। क्योंकि मैंने अपनी एप्लीकेशन की पेमेंट नहीं करी है तो ये एप्लीकेशन का स्टेटस ड्राफ्ट में है। तो जैसे ही आप ईमी अकाउंट में अपनी एप्लीकेशन डालते हैं, अगर आप पेमेंट से पहले उसे सेव कर लेते हैं उस केस में आपकी एप्लीकेशन ड्राफ्ट में जाएगी। अगर आपकी पेमेंट हो चुकी है, पूरी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, उस टाइम पे आपकी एप्लीकेशन रिसीव्ड में जाएगी। अगर आपकी एप्लीकेशन का रिजल्ट पॉजिटिव आता है, आप सिलेक्ट हो जाते हो, उस केस में आपकी एप्लीकेशन सिलेक्टेड में जाए। कब सिलेक्ट होगी आगे जाके बताती हूँ। जब आपकी एप्लीकेशन सिलेक्ट हो जाती है यहीं पे इसी पोर्टल पे आके आप चेक कर सकते हो। वैसे तो आपको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ईमेल करेगी कि आपको इन्विटेशन लेटर भेजा जाएगा, स्टिल अगर आप सम टाइम होता है कि कोई पर्सन ईमेल मिस कर देता है तो आप टाइम टू टाइम यहाँ पे पोर्टल पे आके भी चेक करते रह सकते हैं कि आपके एप्लीकेशन का जो रिजल्ट है वो आया है कि नहीं आया है। एंड अगर जो टाइम है वो पूरा निकल जाता है, आपके वॉलेट का एक्टिव टाइम बंद हो जाता है सिलेक्शन का, देन जो आपकी एप्लीकेशन है वो एक्सपायर्ड में जाएगी। तो आप टाइम टू टाइम अपना जो स्टेटस है एप्लीकेशन का वो चेक करते रहिएगा। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, वो रिसीव्ड में है कि आप वेट कर सकते हैं, आप वेट करते रह सकते हैं। अगर वो सिलेक्टेड में चले जाती हैं, देन आप फाइंड करिए वो ईमेल जो कि आपको आई होगी जिसमें कि आपका इनविटेशन लेटर होगा। अगर आपकी एप्लीकेशन वहां पे नहीं है, आपने विड्रॉ करी है, वहां पे आपकी एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है, देन उस केस में इट मींस आपकी एप्लीकेशन डिलीट हो चुकी है, देन आपको अगेन एप्लीकेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। इसलिए यहां पे कुछ लोगों ने मुझे एक क्वेश्चन पुट करा था, विड्रॉ बटन है नीचे आ रहा है, विड्रॉ की ऑप्शन वहां पे क्लिक कर दिया। अगर आपने गलती से ऐसा कुछ कर दिया है इट मींस कि आपने अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर दी है, उस केस में आपको नई एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। उस केस में जो आपकी प्रीवियस एप्लीकेशन है वो वॉलेट में नहीं रहेगी क्योंकि आपने खुद ही वो एप्लीकेशन डिलीट कर दी है, आपको फिर से फीस पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे मेंशन है कि पहले तो आप ट्राई करें कि हर चीज चेक करने के बाद ही आप जो अपनी फीस है पे करें, पर अगर आपने फीस पे कर दी है उसके बाद भी चेंज करना है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेशली इन्होंने अपनी साइट पे ही मेंशन करा हुआ है
फॉर्म सबमिट हो जाता है, उसके बाद आप इसे एमी अकाउंट पे देख सकते हैं। इसमें जो अपनी डिटेल्स है उसे चेंज कर सकते हैं, पर इसमें जो मेजर डिटेल है, आपका पासपोर्ट नंबर चेंज नहीं होगा, आपका पैन कार्ड नंबर चेंज नहीं होगा। तो ये जो कुछ अपडेट्स हैं ये सेम रहेगी, पर नाम को लेके थोड़ी बहुत ही जो चेंजेस है वो कर सकते हैं। तो एक्शन है, कुछ लोगों के डाउट है कि हमारे नेम की गलती है, स्पेशली फैमिली नेम, गिवन नेम को लेके बहुत लोग कंफ्यूज हैं। बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे डेमो वाली वीडियो पे भी, मैं यहीं पे क्लियर कर देती हूं कि गिवन नेम होता है वो नेम जो आपके पासपोर्ट पे नाम है आपका। ज्यादातर इंडियन पासपोर्ट पे जो नेम है ना वो सिंगल नेम होता है, जैसे मेरा नाम है गुरप्रीत कौर, पर इंडिया में कौर को सरनेम नहीं लिखते, इंडिया में पूरे नेम को गिवन नेम ही लिख दिया जाता है। अगर मेरे नेम के पीछे कौर के बाद कुछ और होता तब हो सकता था कि मेरा जो सरनेम है वो लिखते, पर अगर आपके पासपोर्ट में ये दोनों चीजें सेपरेटली लिखी है लाइक मोहनलाल, तो वहां पे लाल सरनेम है एंड मोहन नेम है, उस केस में जो लाल है वो फैमिली नेम में आएगा एंड जो आपका नेम है मोहन वो गिवन नेम में आएगा। तो ये काफी लोग पूछ रहे थे, तो कुछ लोगों ने इसे डबल टाइम लिख दिया है, लाइक जैसे मेरा नाम है गुरप्रीत कौर, मैंने फैमिली नेम में भी ये लिख दिया, गिवन नेम में भी ये लिख दिया, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एप्लीकेशन होती है यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज की, अगर आपके दो नेम नहीं है उस केस में वो आपके जो फर्स्ट नेम होता है उसी को सेकंड टाइम लास्ट नेम में भी मेंशन कर देते हैं, सरनेम में भी मेंशन कर देते हैं। स्टिल अगर आपको चेंज करना है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे ही मेंशन है कि मान लीजिए कि आप रैंडमली सिलेक्ट हो जाते हैं, यहाँ पे इन्होंने अगेन मेंशन कराया कि कोई बेसिक क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी इसमें सिलेक्ट हो सकता है रैंडमली। वो लोग भी हो सकते हैं कि जिन्होंने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देके अपना फॉर्म सबमिट कर दिया है, तो उनको भी ईमेल आ सकती है कि आप रैंडमली इस फॉर्म में इस वीजा कैटेगरी के लिए सिलेक्टेड है, आप आगे जाके अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से आपको लेटर आता है तो वो लेटर अनलिमिटेड टाइम के लिए होगा, वो एक टाइम फ्रेम देंगे, हम इतनी डेट को ये लेटर आपको भेज रहे हैं इनविटेशन का इतनी देर तक। मान लीजिए किसी को आ रहा है 1 नवंबर से, तो वो बोल सकते हैं 1 नवंबर तो 30 नवंबर तक आप इस एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं, इस लेटर को यूज करके अपनी वीजा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद अगेन आपको पूरी जो रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, वो मीट करनी पड़ेगी अगर आपने वीजा अप्लाई करना है। आगे जाके मैं दिखाऊंगी कि इसकी कॉस्ट कितनी आती है अगर आपने ये वीजा अप्लाई करना है, पर उससे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप सिलेक्ट नहीं होते, तो अगर आप वॉलेट में सिलेक्ट नहीं होते उस केस में आपको ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोई भी ईमेल नहीं आएगी। जैसे कि यूके का लॉटरी वीजा था, वहां पे उन्होंने ईमेल करी थी कि अनफॉर्चुनेटली आप इस टाइम पे सिलेक्ट नहीं हुए, पर यहाँ पे आपको कोई ईमेल करके इन्फॉर्म नहीं करेंगे कि आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं। आपकी रजिस्ट्रेशन एक्सपायर कब होगी, कब तक आप वेट कर सकते हो कि क्या आप इस वॉलेट में सिलेक्टेड हैं कि रिजेक्टेड हैं, तो 30 अप्रैल 2025 तक लोगों को सिलेक्ट करा जा सकता है इस वॉलेट में। 30 अप्रैल 2025 के बाद आपकी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सपायर हो जाएगी, उसके बाद आप ये कंसीडर कर सकते हो अगर आपको ईमेल नहीं आई कि आप इस वीजा कैटेगरी के लिए सिलेक्ट नहीं हुए हैं। कब आपकी रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाएगी, अगेन जब आप अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर देते हैं, अगर आप 31st ईयर के हो जाते हैं, 31 की आपकी एज हो जाती है, उस केस में आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाएगी। एंड अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो देन आपकी वॉलेट की जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्सपायर हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद आपको इनविटेशन मिल जाएगा वीजा अप्लाई करने का। पीरियड में यहाँ पे मेंशन है डेट इंडिया के लिए 1 अक्टूबर से 31st ऑफ अक्टूबर, तो वॉलेट सिलेक्शन का जो टाइम है इंडिया के लिए वो है 14th ऑफ अक्टूबर से 30th ऑफ अप्रैल। यस, 14th ऑफ अक्टूबर से, मतलब अक्टूबर के मिड से ही, आज 5 तारीख है जब आप ये वीडियो देख रहे हो, तो हार्डली 9 दिन के बाद से सिलेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो काफी लोग यहाँ पे इस चीज को लेकर कंफ्यूज होंगे कि 9 दिन से अगर सिलेक्शन स्टार्ट हो जाएगी, 31st तक इन्होंने वॉलेट में एंट्री के लिए बोला है, तो हम सिलेक्ट नहीं होंगे जो 14 के बाद अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है। इन्होंने कुछ लोगों को पहले रैंडमली पिक करना है और उसके बाद जो बाद वाली एप्लीकेशन है, हो सकता है उनके बाद में कुछ एप्लीकेशन छोड़ दे वहां से पिक करें, क्योंकि अगर उन्होंने 30 डेज का टाइम दिया है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहले वाले 14 दिन वाले ही एप्लीकेशन उठा लेंगे, बाद वाले भी उठाएंगे। डोंट वरी, इस चीज को लेके वरी मत करिएगा। अगर आपने अप्लाई नहीं करा या आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो रही तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो अभी भी आपके पास टाइम है इनफ अप्लाई करने का। एंड आपके पास जो रिजल्ट आएगा उसके लिए भी इन्होंने इनफ टाइम दिया है, अगर आपकी एप्लीकेशन जल्दी एक्सेप्ट हो जाती है तो ऑल द बेस्ट। अगर आपकी एप्लीकेशन
नहीं एक्सेप्ट होती तब भी आपके पास होप रहेगी टिल 30 अप्रैल। अगले साल के भी 4 महीने है, मतलब ऑलमोस्ट 6 मंथ का टाइम है जिसमें कि लोगों को इनविटेशन आ सकता है इस वीजा को अप्लाई करने का। करते हैं स्टेप की कि क्या स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो। तो इस रहेगा आपका मेडिकल, आपको अपना जो एग्जामिनेशन है हेल्थ एग्जामिनेशन है वो करवाना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। जो भी सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे जाके आपको अपना मेडिकल करवाना पड़ेगा। उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट गैदर करने का। डॉक्यूमेंट में आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जिसमें कि मेनली ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स का नाम, गवर्नमेंट आइडेंटिटी, पैन कार्ड, इसके अलावा कोर्ट के इश्यू वेरीफाइड डॉक्यूमेंट भी आपके आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हैं। मैं ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं गई क्योंकि अगर इसके बारे में जो मैं वीडियो है वो 14th के बाद बनाऊंगी डिटेल में। और एजुकेशन के डॉक्यूमेंट है, जो भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। इनफ मनी टू स्टे एंड लीव, तो ये इंपॉर्टेंट है। आपको फंड शो करने पड़ेंगे अराउंड 5,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। काफी लोग कंफ्यूज हैं कि क्या हमारे अकाउंट में होने चाहिए या हमारे फैमिली के अकाउंट में होने चाहिए। तो गाइस ऑस्ट्रेलिया में जब भी फंड्स की बात होती है ना तो ऑस्ट्रेलिया बहुत प्रूफ मांगता है कि आपके फंड्स आए कहाँ से हैं। तो अगर आप अपने अकाउंट में शो करते हैं तब भी आपको आपका जो इनकम सोर्सेज है वो प्रॉपर बताने पड़ेंगे कि कहाँ से आपने जो फंड है वो अरेंज करें। अगर आप अपने पेरेंट्स के अकाउंट में शो करते हैं तब भी आपको डिक्लेरेशन चाहिए होगा आपके पेरेंट्स का कि आप उनकी जो मनी है वो यूज कर सकते हैं। नॉर्मली तो ऐसा केस होता है कि आप अपने पेरेंट्स के अकाउंट में भी फंड शो करवा सकते हैं, पर अगेन जब ये वीजा का फाइनल सिलेक्शन स्टार्ट हो जाएगी उस टाइम पे इंडिया के लिए जो अपडेट्स हैं वो ज्यादा पोस्ट करेंगे, क्योंकि एजुकेशन की जो अपडेट थी वो भी जब वॉलेट ओपन हुआ तब इंडिया के लिए पोस्ट करेगी। उससे पहले फर्दर जो बाकी कंट्रीज थी उन्हीं के लिए अपडेट यहाँ पे अवेलेबल थी। इसके बाद करेक्टर डॉक्यूमेंट है। करेक्टर डॉक्यूमेंट में इंडिया में ज्यादातर जो होता है पुलिस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी इस वीजा को अप्लाई करने के लिए अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो। जो अब होता है अप्लाई वीजा, तो अप्लाई वीजा के लिए ऑफकोर्स ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा और इस वीजा की जो कॉस्ट रहेगी, काफी लोग जानना चाहते हैं, तो इस वीजा की जो कॉस्ट है वो है 600 समथिंग है। अभी मेरे माइंड से स्किप हो गई है, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप चेक कर लेना। कुछ ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो ओवरऑल जो भी प्रोसेस है, जो भी आप कर सकते हो, मैंने इस वीडियो में मेंशन कर दिया है आफ्टर सबमिट योर फॉर्म। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल जिन्होंने भी एप्लीकेशन सबमिट कर दी है। 1,000 लोग सिलेक्ट होंगे, कोई भी हो सकता है जो ये वीडियो देख रहे हैं उनमें भी काफी लोग हो। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, आपको ईमेल आती है, डू लेट अस नो इन अ कमेंट सेक्शन कि आपकी सिलेक्शन हो चुकी। तो गाइस ये थी वो बेसिक डिटेल जिसके बारे में मोस्टली क्वेरीज आ रही थी। तो होपफुली मैंने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी होगी। स्टिल अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, पेज भी लाइक कर सकते हो। सारी चीजों का लिंक नीचे लिंक ट्री का एक लिंक दिया हुआ, उसके सिंगल क्लिक पे आपको मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, keep subscribing, keep supporting. Bye-bye.